नमस्कार द वर्ल्ड टुडे को स्वागत कर प्रथम हेडलाइंस। भारत में संगीन होबार लगी कोरोना स्थिति। कोविड संकट काल में सहायतार हाथ बढ़ावा प्रस्तुत चीन। विभिन्न प्रसंग करिबो आलोचना। सेपटे बेजिंग कहला गत वर्ष नुआ दिल्ली पहुंचला मेडिकल सरंजाम। कोरोनार महामुकाबिला प्रस्तुत होब रणनीति। अधिक प्रभावित 10 राज्यर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आलोचना। अधिक ऑक्सीजन सिलिंडर जोगाई देबा लागि दिल्ली सरकार को दावी। लाइव टेलीकास्ट न करिवारु केजरीवाल को दुख प्रकाश। कोरोना प्रस्तुत नहीं सुओ मोटो जनस्वार्थ मामला प्रसंग एप्रिल 27 रे हेबो परवर्ती सुनानी। केंद्र सरकार को गुरुवार नोटिस देथिले सुप्रीम कोर्ट। टीकाकरण ऑक्सीजन अत्यावश्यक औषध जोगाण मागिथिले विवरण। देशरे ब्रेकफेल कोरोना 24 घंटे 3,32,000 अधिक संक्रमित चिन्हट। 2,263 मृत। 1,62,63,695 पहुंचला संक्रमितों संख्या। अणनिश्वासी करुछि कोरोना। दिल्ली सर गंगाराम हॉस्पिटल गला 25 कोविड आक्रांतों जीवन। सेपटे मुंबई विजय वल्लभ हॉस्पिटल अग्निकाण्ड 14 रोगी मृत। घटन होब उच्चस्तरीय तदंत। आसवा खबर भितर को कोरोना वैक्सीन को नहीं खुशी खबर। आउ एक वैक्सीन को मिलला मंजूरी। तेबे वेरीफाइड वैक्सीन को मिलला अनुमति। डायडस काडिला द्वारा विकसित होईची एही टीका। जरूरी कालीन व्यवहार पई डीजीसीआई देला अनुमति। तेबे कोरोना वैक्सीन को नहीं खुशी खबर। आउ एक वैक्सीन को मिलला मंजूरी। वेरीफाइड वैक्सीन को मिलला अनुमति। तेबे जाइडस काडिला द्वारा विकसित होईची एही टीका। जरूरी कालीन व्यवहार पई डीजीसीआई देला एही टीका को अनुमति। देशरे कोरोना स्थिति को नहीं मुकाबिला उपरे गुरुत्व देछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देशर सबुठारु अधिक संक्रमित 10 राज्यर मुख्यमंत्री मानक सहित आलोचना करिछंती प्रधानमंत्री। एही राज्य गुडीक होला महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केरल, मध्यप्रदेश, कर्णाटक आदि राज्यर मुख्यमंत्री उपस्थित रहिथिले। तेबे बैठक रे केन्द्र गृहमंत्री नीति आयोग सदस्य मध्य उपस्थित थिले। दिल्ली को तुरंत अधिक परिमाण रो ऑक्सीजन जोगाइबा व्यवस्था करबा लागि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को अनुरोध करिथिले। तेबे हॉस्पिटल गुडीक रे देखा जाउतिबा ऑक्सीजन अभाव तुरंत पूरण करबा लागि से कहिथिले। दिल्ली रे ऑक्सीजन वहित ट्रक को विभिन्न स्थान रे अटकाई दिया जाउची। जेपरि एही ट्रक दिल्ली रे पहुंचि पारिबो सेथि लागि सेही राज्यर मुख्यमंत्री को अंत फोन कॉल टे करबा लागि प्रधानमंत्री को केजरीवाल कहिथिले। तेबे महामारी वृद्धि हेतु अनेक राज्य में स्वास्थ्यावस्था भुशुड़ी पड़ी। किसी दिन हेब राज्य माने अम्लजान अभाव डाक्तरखाना रे सज्जा एवं औषध अभाव केन्द्र को निवेदन करते। परिस्थिति को अनुधान कर प्रधानमंत्री आलोचना करी मधे पीएम ओ केजरीवाल आलोचना बेले केजरीवाल ऑक्सीजन को नहीं प्रधानमंत्री को प्रश्न करते। मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट नक गोपन रखा दुखद घटना बोली केजरीवाल कहते। मंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टिमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है। बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है।
पर सर मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर एक घंटे की, आधे घंटे की, दो घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं। भारत को साहाज्य करिबो चीन, कोरोना मुकाबला नै करिबो सहायता। तबे भारत रे कोरोना संक्रमण द्रुत गति रे व्यापी बारे लागितबा बळे जागन भारत को सहयोग करबा पई इच्छा प्रकाश करछि। तबे हिंदुस्तान टाइम्स रो रिपोर्ट अनुसार चीन रो वैदेशिक मंत्रालय कहिछि जे भारत सहित सेमाने आलोचना करबा को प्रस्तुत अछन्ति। तबे भारत रो आवश्यकता अनुसार चीन विभिन्न प्रसंग उपरे आलोचना करबा को राजी होछि। चीन वैदेशिक मंत्रालय रो प्रवक्ता एहा कहछन्ति। तबे अन्य पटरे कोरोना संकट मध्यरे फ्रांस भारत को साहाज्यर हात बढ़ाइला। भारत कोरोना भाइरस मामला वृद्धि पाउछि एवं परिस्थिति अनियंत्रित होइछि। एही समय रे फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन कोविड 19 संक्रमण रो मुकाबला पई भारत को साहाज्य करबा को प्रस्ताव दैछन्ती। से कहिछन्ती कोरोना विरोध रे लढी रे भारत सहित फ्रांस रहिछि। अन्य पटे भारत रु फ्रांस जाउतबा लोकंकु 10 दिन पई क्वारंटाइन रखा जिवो। एथसहित ब्रिटेन, पाकिस्तान एवं कानाडा भारत रु रेड जोन तालिका रे रखिछन्ती एवं भारत रु विमान को बारण करिछन्ती। संक्रमणर शीर्षरे पहुंचिछि भारत। गत 24 घंटे 3,32,518 संक्रमित चिन्हट होती। तेबे महाराष्ट्र में सर्वाधिक 67,013 जन संक्रमित चिन्हट होती। सेपटे दिल्ली में 26,169 जन आक्रांत चिन्हट होता बेले उत्तर प्रदेश में चिन्हट होती 34,254। सेपरी छत्तीसगढ़ में 16,750 संक्रमित चिन्हट होता बेले केरल में 26,995 एवं पश्चिमबंग में 11,948 जन संक्रमित चिन्हट सूचना मिली। महाराष्ट्र विचार स्थित विजय वल्लभ हस्पिटाल अग्निकाण्ड। हस्पिटाल आईसीयू रे निया लागी 14 जन रोगी हरायथिबा सूचना मिलछि। प्राय 17 जन रोगी आईसीयू रे थिले। तबे आईसीयू रे थिबा एसी रे शॉर्ट सर्किट हेबा कारणरु निया लागीथिबा अनुमान करा जाउछि। तबे 5 जन अल्पके बर्ती जाइतबा बळे सेमानक अन्यत्र स्थानांतरित करा जाइछि। एने सूचना दैछन्ति हस्पिटाल रो सीईओ डाक्टर दिलीप जैन। सेपटे मृतकंक परिवार प्रति समवेदना जणाइले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। देशर राजधानी रे कोरोना स्थिति उद्वेगजनक रहिछि। संक्रमितक संख्या बढ़ुतबा बळे ऑक्सीजन अभाव कोरोना मुकाबला रे बड़ बाधक साजिछि। मुकाबला भितरे दिल्ली सार गंगाराम हॉस्पिटल रो एक दुखद और भयानक घटना सामना को आसिछि। तबे गत 24 घंटा रे हॉस्पिटल रे 25 जन गुरुतर आक्रांत प्राण होराइछन्ती आउ 60 जनकर जीवन एबे संकट रे रहिछि। तबे गंगाराम हॉस्पिटल रे बे जेतिके ऑक्सीजन मौजूद अछि ता 2 घंटा मध्यरे शेष होइ जिवो। ऑक्सीजन अभाव को हॉस्पिटल रे थिबा वेंटिलेटर ओ वाईपास टिकरे का ठीक रे काम करु नहीं। तुरंत ऑक्सीजन जोगाई देबा को हॉस्पिटल कर्तृपक्ष निवेदन करिछंती। कोरोना संक्रमण मामला वृद्धि पाउथिबारु राज्य सरकार एबे परीक्षा को वृद्धि करिछंती। तबे मोरडाबाद रे एक कोविड परीक्षण भ्यान बाहरे एक लंबा धाड़ी देखिबा को मिलथिला। किंतु लोकंकर कहिबा मुताबक से अनेक समय धरि धाड़ी रे छिडा होइतिले मध्य तांको नंबर आसु नाही। अनेपटे स्वास्थ्य अधिकारी कहिछंती जे हाराहारी सेमाने प्रतिदिन 200 रु अधिक नमूना परीक्षा करुछंती। आ रहे 2-3 दिन हो गए नंबर ही नहीं आ रहे। शाम आ रहे हैं, शाम सुबह आ रहे हैं, शाम को लाइन में लग करके शाम तक फिर कहते हैं खत्म होगी। बेटे का कोरोना टेस्ट कराने आए, दूसरा तो पॉजिटिव था। अभी तक आए 12 बजे तक बैन आई है सर, 12 और 7 बजे से खड़े हुए हैं हम यहाँ पे। नहीं, लाइन भी लगे हुए हैं, लाइन भी लगे हुए हैं 7 बजे से। आप कह रहे हैं कि 100 जनों का टेस्ट होगा, 100 जनों का, तो फिर आज भी नंबर नहीं आया। 200 से ऊपर करके जाते हैं, 200 से कम नहीं होते, 230, 240, 250 तक होते हैं। ज्यादा ले नहीं सकते ना, सेफ्टी का वो तो सीमा साफ से तो ले आएंगे हम और भी वहाँ पर रखे रहेंगे ना सैंपल। एक एलटी जो होता है वो 100 या 150 सैंपल ले पाता है। कोरोना मामला को दृष्टि रखी दिल्ली को 6 दिन पर्यंत लॉकडाउन घोषणा करा जायछि। ए समय रे केवल अत्यावश्यक सेवा को अनुमति दिया जायछि। तबे पुलिस कर्मचारी माने शहर रे यातायात करूतिबा लोकंकर गाड़ी एवं परिचय पत्र जांच करिछंती। गोटे पटे कोविड आक्रांतक संख्या वृद्धि पाउतबा बळे अन्य पटे ऑक्सीजन रो अभाव दिन को दिन देखबा को मिलछि। तेबे एहारी मध्यरे जहाँ देखिबा को मिलछि केरल एहारी मध्यरे ग्रीन कॉरिडोर रे ऑक्सीजन पठा जाउतबा बळे ए भारतीय वायुसेना पक्षरु विमान माध्यम रे ऑक्सीजन को स्थानांतरित करा जाउछि।
महाराष्ट्र पालगर एक कोविड हॉस्पिटल अग्निकाण्ड घटिबा द्वारा अनेक रोगी क्षतिग्रस्त होइतिबा एहारि मध्यरे महाराष्ट्र सरकार समस्त क्षतिग्रस्तक परिवार को 5 लाख टंकार सहायता राशि देबा को निष्पत्ति नेइछन्ति एवं एहि दुर्घटना घटाइबा पछरे जेउ माने शामिल अछन्ति तांको विरुद्धरे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली कहिछन्ति। यहाँ पर जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुखद है, दर्दनाक घटना है और ऐसी घटना हुई है उसमें 13 लोगों की जान गई है, 13 लोगों की मृत्यु हुई है। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसकी तो जांच होगी, चौकसी होगी, जिसके ऊपर जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो यहाँ पर जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने का काम शुरू है, उनकी जान बचाने को हम लोग पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं और उसके बाद जो भी बाकी बातें हैं वो सब होगी। मुख्यमंत्री महोदय जी से मैंने अभी बात की है, उन्होंने भी वैसे स्पष्ट सूचना आदेश दिए हुए कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा। जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारजन को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का जो मदद करनी है उसको मदद हो जाएगी उनको, और जो अभी पेशेंट बाकी है उनकी पूरी तरह वहां पर ट्रीटमेंट करके उनको ठीक करना, ये इसके प्रायोरिटी है। डाक्तरखाना रे अम्लोजन अभाव रु रोगी मृत्यु खबर को प्रत्याख्यान करिसेंती गंगाराम हॉस्पिटल रो चेयरमैन डीएस राणा। तबे ओ2 अभाव रु 25 रोगी मृत्यु होइतबा मिथ्या खबर प्रसारित होउची। जेतेबेले आईसीयू सज्जारे ओ2 चाप कमीगला रोगी मानंकु ओ2 मैनुअल दियागला। राज्य सरकार को एनओसी पाइबा परे एक्शन आमकु कहिसेंती सेमाने प्रतिदिन 9000 रु 10000 घनमीटर ओ2 जोगाई देबे। जितने मर गए बिना ऑक्सीजन से मर गए ये गलत है, बिल्कुल ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। ऑक्सीजन सप्लाई हमने सब ऑप्शन दी है, जहां हमारा प्रेशर कभी आज नहीं कम हो, 3 दिन पहले हमारा ऑक्सीजन प्रेशर कम हो गया था इश्यू बढ़ने, तो हमने उनको मैनुअल ही दीजिए ऑक्सीजन, हमने ये गलत है। बाकी अभी आज हमें आई डॉक्टर ने इंश्योर किया था मॉर्निंग है, फिर स्टेट गवर्नमेंट उनको वो दे दी है एनओसी, तो 9 to 10 किलोमीटर डेली सप्लाई कर सकती है। और आई एम वेरी ग्लैड, आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर उदित प्रकाश राय, ही साइंड दिस लेटर एंड दिस लेटर वी गॉट ओनली 15 मिनट्स बैक यू नो, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लेटर नाउ वी विल गेटिंग 9 क्यूबिक मीटर पर डे ऑफ आई डॉक्स, सो दैट विल सॉर्ट आउट आवर प्रॉब्लम। आई एम वेरी थैंकफुल टू द अदर पीपल, आवर वेल विशर्स इन एनी पार्टी, पॉलिटिकल लीडर्स और आईएएस ऑफिसर्स एंड आवर पेशेंट्स, दे आर सो हेल्पिंग, बट दे आर सो कोविड स्ट्रम सारा देश को अस्तव्यस्त करुथिबा बळे अन्यपटरे प्रमुख चिंतार कारण पलटिछि ऑक्सीजन समस्या। विशेष करी महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश बळे राज्यरे ऑक्सीजन घोर अभाव देखिबा को मिलिछि। एहारि मध्यरे उत्तर प्रदेश सरकार ऑक्सीजन जोगाई देबा पई आश्वासन देथिले मध्य लखनऊरे अम्लजान सिलिंडरर अभाव देखिबा को मिलिछि। मेरे पिता मेडवेल हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वहाँ से मुझे लिख के मिला है कि आप जाके कहीं से भी प्रोवाइड करा के हमको दीजिए, और ये हमको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा सर। और वहाँ उनकी एकदम समझ लिए बहुत बेकार कंडीशन पे पापा हमारे, हमको अंदर जाने नहीं दे रहे, कह रहे हैं वही आए और वही ले जाए, हमको नहीं देंगे। और जबकि हमको लिख के मिला है वहाँ हॉस्पिटल से कि आप जाके वहाँ से ले लीजिए। गैस की तो किल्लत है, लिक्विड है नहीं मेरे पास, और हम यहाँ पे बलरामपुर लोक बंधु के अलावा हम किसी को नहीं दे रहे हैं। जिन भी अस्पतालों को ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए अधिकृत किया जा रहा है उनके यहाँ सूचना प्राप्त हो रही है, उन्हें ऑक्सीजन आपूर्ति कराते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा रही है ताकि सुरक्षित ऑक्सीजन आपूर्ति जो है अस्पतालों को मिल सके। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी गंभीर ऐसे भी पेशेंट हैं तो इनका आधार कार्ड रखते हुए और इनकी अगर उनको जरूरी है तो हिसाब से उन्हें भी उपलब्ध कराए। देशरे कोरोना परिस्थिति को नै गतकाली केन्द्र सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट मागिथिले सुप्रीम कोर्ट। तबे विभिन्न राज्य रे संक्रमण मामला बढ़ुथबा बळे ऑक्सीजन अभाव रु गुरुतर रोगी कर जीवन मध्य जाउछि, एहा को नै सुप्रीम कोर्ट रो प्रधान विचारपति मत प्रकाश करिसेंती। तबे सुओमोटो मामला को नै आज विचार हेबा को थिबा बळे एप्रिल 27 रे हेबो परवर्ती सुनानी। एहि मामला रो सुनानी आज सुप्रीम कोर्ट रे होइथिला। तबे सीजेआई बबडे को नेतृत्व रे अदालत रो 3 जणिया खंडपीठ एहि मामला रो सुनानी करथिले। सीजेआई शरद अरविंद बबडे कहिसेंती जे सारा देश रे अम्लजान अभाव रु लोकमानकर जीवन जाउछि, आज से अवसर रे नेबा परे परवर्ती समय रे भारत रो प्रधान विचारपति एस बबडे हरि सालवे को एहि मामला रुजु करबा को अनुमति अनेक प्रकार चोरों कथा आपण जानिथिबे, थरे सेमानक हातकु जिनिस गले सेमाने फेरेबा कष्ट होई पड़े।
अनेक चोर भूली जाती मानविकता हेले हरियाणार जड़े चोरों कथा निरा चोरी करिबा परे बदली गला तांको हृदय रोगी जीवन कथा मन पक चोरी करिथिबा सामग्री फेराई देबा सहित छाड़ी जाइछंती नोट देखिबा से उदार चोरों कथा चोर तो चोर उदार चोर चोरी परे चोरों बदली गला हृदय क्षणक मन पड़गला रोगी दुर्दशार कथा शेषे फेराई दे चोरी सामग्री चोरी कले भी अन्यर चिंतार तरली हृदय घटना घटी हरियाणार जिंदर में गत 21 तारीख राति जिंदर सिविल हॉस्पिटल रे मूल्यवान सामग्री चोरी करने हॉस्पिटल पशिते जड़े चोर तरबरे से अनेक जिनस साउंडी भावी सामग्री को बिकी भल पैसा पाए हेले चोरी पर देखिले से जो पैकेट सेथिरे लेखा कोवैक्सीन और कोविशील्ड साधारणतः चोरी धरा पड़ा भय चोर मैंने चोरी सामग्री फेराई नथा कि जिनस भी फोपाड़ी दिंट मात्र एही चोर जनक हृदय मानविकत भरी उठिला से टीका पेटीगुड़िक निकटस्थ एक चा दोकान जे वृद्धा हाथ में हस्पिटाल को फेराई खाली से नुहे से एक नोट भी पठाई जो उल्लेख रही पता नहीं था इसमें कोरोना की दवाई थी अर्थात कोरोनार वैक्सीन थिबा से जान नथिले चोरी परे चोर मानकर मानसिकत परिवर्तन होइथाय केतेक चोर भी हिंस्र भी होइजांती अनेक दया माया भूली भी जांती हेले हरियाणार एही चोर कोविड स्थिति रे निजर मानवीकतार परिचय देछंती शायद चोरी करने कुछ और आया था और गलती से वैक्सीन ले गया नहीं तो वापस करने के कोई अगर मकसद वैक्सीन को ही चोरी करना होता तो वापस न दे के जाता देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जांच अभी जारी है और जैसे ही हम चोरों तक पहुंचेंगे तो ये सारी गुत्थी जरूर सुलझेगी इसमें कोई दोराय नहीं है कि उनका कुछ ना कुछ तो मोटिव रहा है और मोटिव वैक्सीन नहीं था यह कहना इसलिए उचित होगा क्योंकि उन्होंने जो वैक्सीन थी वो वापस रिटर्न भी कर दी कोविड काल रे जने चोरों को क्षेत्र रे घटी थी घटना चर्चा का कारण हुई छी ब्यूरो रिपोर्ट एमबीसी न्यूज समय सरिचे बुलेटिन को इटकिबा नमस्कार।